हेलो गाइस, देखिए हम आप लोगों को लेडीज पैंट की कटिंग बताने चल रहे हैं। देखिए हम इसमें निशान लगा लिए हैं, अब आपको समझाएंगे कि मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। देखिए गाइस, इसकी लंबाई जो है हमको तैयार 35 इंच रखना है, इसकी लंबाई 35 इंच रखना है और हम इसको लिए हैं 38 इंच, क्योंकि 2 इंच ऊपर जो है 3 इंच ऊपर गेटिश लगाने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ से ये देखिए 32 हो गया। फिर यहाँ से हम इसको लिए हैं 2 इंच, इसकी लंबाई 3 इंच नीचे मुहरी बनाने के लिए। फिर ये इसकी चौड़ाई कमर इसकी है 14 इंच, कमर तैयार रहेगी 13 इंच, इसलिए हम इसको लिए हैं 14 इंच। अब ये आसन वाला भाग जो है ये हम लिए हैं 15 इंच, और ऊपर से ये रहेगा फिर तैयार सिलाई पे 12 इंच, ऊपर ये निकल जाएगा गेटिस के लिए। देखिए गाइस, फिर इसके बाद हमें 1 इंच यहाँ पे लेना है गोलाई के लिए। फिर यहाँ पे हमें इसको मोहरी तैयार मोहरी 7 है, हमको लेना है यहाँ पर 8 इंच। फिर यहाँ से ये हमको तिरछा निशान ऐसे लगा लेना है। देखिए गाइस, हम इसकी कटिंग करने चल रहे हैं, निशान लग गया है। देखिए गाइस, पैंट की कटिंग हो गई है। देख कमर पे तो कटिंग करना है, ये गेटिस लगाने का निशान और ये है मोहरी का निशान पैर के, और ये है गेटिस लगाने का निशान। अब इसको हमें यहाँ पे ये तीसरा निशान हल्की कटिंग करना है फिटिंग के लिए, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे हल्की तिरछी कटिंग रहेगी जिससे पैंट की मोहरी का निशान अच्छी तरह से पैर से फिटिंग हो जाए। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे जेब लगाने के लिए लेना है 6 इंच। कितना लेना है यहाँ जेब लगाने के लिए? 6 इंच। यहाँ पे ये छोड़ के सिलाई की जाएगी नीचे, और यहाँ से ऊपर इतना गेटिस पड़ेगा, ये रहेगा जेब का निशान, ये है जेब जी। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए जेब लगाने के लिए हमको लेना है यहाँ पे, ये देखिए इसकी लंबाई रहेगी जेब में दो, एक ही तरफ जेब लगाना है तो कपड़ा लेना है दो बार, दो भाग में कपड़ा लेना है। ये देखिए लंबाई रहेगी इसकी 15 इंच, जिससे जेब मीडियम जेब बनती है 15 इंच लंबाई, और 6 इंच की चौड़ाई है। देखिए ये हो गई है पैंट की जेब, ये देखिए रेडी। गाइस, आपको पैंट की कटिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, इसके साथ में कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि पैंट की कटिंग आपको कैसी लगी।